नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर, यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये आप लोगों की सपोर्ट और शुभकामनाओं से हुआ है कि नेल्लोर लास्ट फ्रेंचाइजी हमारी थी। अब दिल्ली वालों की तरफ से बहुत ये था कि सर दिल्ली में कोई फ्रेंचाइजी होनी चाहिए, तो इस टाइम पे गुड़गांव के अंदर हम लोगों ने हमारी फ्रेंचाइजी ओपन की है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा फ्रेंचाइजी का एड्रेस और उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ताकि आप डायरेक्टली जो भी दिल्ली और गुड़गांव के आसपास में हैं वो डायरेक्टली जाके उनसे मिल सकते हैं, अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं, और जिन्हें जो सर्विस चाहिए वो आपको अभी वही सर्विस गुड़गांव के अंदर भी आपको, दिल्ली के अंदर भी आपको मिल जाएगी। ये वीडियो जो है दोस्तों, बहुत सारे लोग हमारे पास में कॉल्स भी आते हैं दिल्ली की साइड से, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सर पर्सनली मिलना चाहते हैं, बट जैसा कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में वो लोग आ नहीं पाते हैं, तो जो लोग पर्सनल मीटअप करना चाहते हैं, क्योंकि मैं 25th ऑफ जनवरी को रहूंगा दिल्ली के अंदर, और इस बार थोड़ा सा चेंज किया है शेड्यूल के अंदर, चीजों के अंदर, मैं इस बार चाह रहा हूं कि एक पर्सनल मीटिंग हो, यानी जिनको भी एक्सपोर्ट स्टार्ट करना है उन लोगों के बहुत सारे डाउट्स ऐसे होते हैं जो वो सेमिनार या इन चीजों में नहीं पूछ पाते हैं, तो इसके लिए ये एक पर्सनल मीटिंग के तौर पे हम लोगों ने अरेंज किया है इस चीज को 25th जनवरी 2020 को, जिसमें आप आते हो, कैसे स्टार्ट कर सकते हो बिजनेस को, किस तरीके से आप मूव कर सकते हो, चाहे पार्ट ऑफ प्रोडक्ट सिलेक्शन हो, और किस तरीके से आप आगे आप इस बिजनेस स्ट्रक्चर को लेके जा सकते हो, ये सारी चीजें आप डिस्कस कर सकते हो। सारी चीजें जो भी आपको, जहां पे भी डर है आपको एक्सपोर्ट से रिलेटेड, वो आप अपना डर यहां पे निकाल सकते हो। तो मैं अवेलेबल रहूंगा 25th ऑफ जनवरी को दिल्ली के अंदर। जो लोग मिलना चाहते हैं वो अपना बुकिंग स्लॉट ले सकते हैं, नंबर आपको ऑन स्क्रीन दिख रहा होगा। कल संडे है, संडे को आप लोग इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके बुकिंग स्लॉट बुक करवा सकते हैं, और वर्किंग डेज यानी मंडे टू सैटरडे आप लोग कॉल करके अपना बुकिंग स्लॉट ले सकते हैं। दोस्तों, एक्सपोर्ट का बिजनेस जो है वो बिजनेस है जो बना ही प्रॉफिट के लिए है, लेकिन अगर नॉलेज ना हो तो वो प्रॉफिट लॉस में भी कन्वर्ट हो जाता है। आपके छोटे छोटे जो मूवमेंट जिनको आप इग्नोर करते हो, यकीन मानिए बिजनेस में वही मूवमेंट आपको बहुत अलग बना देते हैं। आज छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आज मैंने एक नई चीज औरंगाबाद के लेवल पे देखी थी। चीज ये थी कि एक बंदे ने एक नया इनोवेटिव सीन में, उसको बोल सकता हूं कि कार वॉशिंग, हमें सभी पता है कार को बहुत ज्यादा साफ, मतलब बहुत सारी सर्विसेज होती है, वॉशिंग सेंटर्स वगैरह होते हैं, बट उस बंदे ने उस बिजनेस को एक नया तरीका दिया। तरीका यह था कि सर हम सिर्फ आधे लीटर पानी से आपकी कार को वॉश कर देते हैं, ये एनवायरमेंटल इफेक्टिव भी हो गया, और एक वो स्ट्रॉक जो था कि हाफ लीटर पानी के अंदर ही आपकी कार को एकदम साफ कर दिया जाएगा, दैट इज डायरेक्टली मेक इंपैक्ट ऑन माइंड। आए उन्होंने, आने के बाद में जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट टूल्स थे उनसे उन्होंने हमसे सिर्फ आधा लीटर पानी लिया और उस लिक्विड वगैरह को यूज करके उन्होंने कार को एकदम चकाचक कर दिया। कार वॉश वैसे भी हमारी हो ही रही है, लेकिन दैट इज समथिंग डिफरेंट कि कुछ इनोवेटिव उन्होंने किया है। रेगुलर में जो चीजें चल रही है आप उनको भी नए तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो और अपने क्लाइंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, दैट इज द मेन पार्ट। और ऐसे ही कुछ बिजनेस स्ट्रेटेजी आपको लगानी होगी अपने बिजनेस के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार उठता है कि बायर हमसे माल क्यों लेगा, हम इंटरनेशनल मार्केट में माल कैसे बेचेंगे, क्योंकि ये तो आपको भी पता है कॉम्पिटिशन आपको डोमेस्टिक में भी मिलेगा, कॉम्पिटिशन आपको इंटरनेशनल में भी मिलेगा, तो कंपटीशन की वजह से तो हम बिजनेस करना नहीं छोड़ सकते। हमें कुछ बदलना है तो बदलना है अपनी सोच को, क्योंकि जब सोच बदलेंगे तो आप यकीन मानिए आपकी तकदीर अपने आप बदल जाती है, क्योंकि सोच के अनुसार जब आप काम करोगे तो आप अपने बिजनेस को ज्यादा डेवलप कर पाओगे, और जिस दिन आपका बिजनेस ज्यादा डेवलप होगा आपका अपने आप सब कुछ चीजें सेट हो जाती है दोस्तों। तो इसके लिए थोड़ा सा इनोवेटिव सोचने का प्रयास कीजिए। आपके पास में सिमिलर प्रोडक्ट भी होगा तो आप उस प्रोडक्ट को और किस तरीके से मार्केट में सेल कर सकते हो, इन चीजों पे आप ध्यान दीजिए दोस्तों। मोबाइल्स बहुत आते हैं, आपने देखा होगा अभी वीवो ओप्पो, इन लोगों ने पूरे मार्केट को इस तरीके से कैप्चर कर दिया है कि जो छोटी मोटी कंपनियां और जो बड़ी कंपनियां थी उनके सेल बैच को भी इन्होंने पूरा का पूरा खत्म कर दिया, क्योंकि ये कुछ इनोवेटिव उसी चीज में लेके आया। एक लगा सेल्फी के पीछे, दूसरा लगा बैकअप और क्वालिटी के पीछे, और आज मार्केट आप देख रहे हो पूरा मार्केट साफ है। तो बिजनेस कभी छोटा या बड़ा नहीं होता दोस्तों, कोई भी बिजनेस जब शुरू होता है तो वो छोटा ही रहता है,
और वहीं से वो बड़ा बनता है। एक्सपोर्ट का बिजनेस, क्योंकि आज ये कंपनियां इंडिया में आके अपना माल बेच रही है, तो आप बोल सकते हो डायरेक्ट एक्सपोर्ट है ये। तो उसी तरीके से कुछ आपके पास में भी इनोवेटिव हो सकता है, कुछ चीजें जो रेगुलर में चल रही है उनको किस तरीके से आप ज्यादा इंपैक्टफुल बना के मार्केट में लेके जा सकते हो, ये आपको सोचना है अपने प्रोडक्ट के लिए। और यकीन मानिए, जिस दिन आपकी ने अपनी सोच बदल ली, आपका बिजनेस अपने आप बदल जाएगा। मिलता हूं मैं आपसे दिल्ली के अंदर इन्हीं विचारों के साथ में कि आप इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे, तभी इंडिया आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।